आप सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स होने की वजह से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी इसे बोला जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने यहां पर अलग अलग टाइप के 8 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए हैं, जिसका फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी 8 टाइप्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सम से। पहला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 10। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि पहला जो स्क्वायर टर्म है उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है या नहीं है। इस केस में कोएफिशिएंट तो है लेकिन वो 1 है, 1 के अलावा दूसरा कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म देखना है। लास्ट टर्म यहाँ पर कौन सी है, 10। लास्ट टर्म के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 10 है और जिनका सम 7 है, यानी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। तो देखते हैं 10 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 1 × 10 और 2 × 5, यह दो ही पेयर्स हमारे पास आती है। तो इसमें से अगर केयरफुली हम इन फैक्टर्स की तरफ देखते हैं तो हमें 10 के दूसरे जो पेयर के फैक्टर्स है वह हमारे काम के दिख रहे हैं। कैसे, 2 × 5 10 आता है और 2 + 5 7 यानी मिडल की टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो आता है, यह हमारे काम की पेयर है इस केस में। अभी देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसा करते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे के वैसे लिखेंगे, यह जो मिडल टर्म है इसको इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे प्लस 2 है तो प्लस 2x, प्लस 5 है तो प्लस 5x और लास्ट टर्म जैसे के वैसे। हमने क्या किया, सिर्फ मिडल की टर्म को स्प्लिट किया 2x प्लस 5x लिख के, यानी 7x इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब दो दो टर्म्स के हमें ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद इन दो टर्म्स में यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर x है, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है। अब x स्क्वायर में से x कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है हमारे पास, x, और 2x में से x कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, प्लस 2। अब यहां से 5x और 10 इन दो जगह में, दो टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पर भी 5 है और 10 में भी 5 है, तो प्लस 5 कॉमन निकालेंगे। प्लस 5 कॉमन निकालने के बाद यहां पर 5x में क्या बच जाता है, x, और 10 में से 5 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, 2। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन निकालते हैं। x प्लस 2 यहां से कॉमन निकालने के बाद x बच जाता है हमारे पास, और x प्लस 2 यहां से कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, प्लस 5। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स क्या हुए, x प्लस 2, x प्लस 5। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। यहां पर भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए लास्ट टर्म जो है 40 के तरफ ध्यान देना है। 40 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 40 आएगा लेकिन सम जो है माइनस 13 आएगा। पॉसिबल पेयर्स ऑफ फैक्टर्स हमारे क्या है, 1 × 40, 2 × 20, 4 × 10
और 5 into 8। इसमें से यह जो सारे पेयर है इनका प्रोडक्ट तो 40 है, लेकिन इसमें से एक पेयर ऐसी है जिसका सम 13 हमें मिलता है, वह कौन सी पेयर है? 5 into 8। तो 40 के ऐसे फैक्टर्स हमें लेना है जिनका प्रोडक्ट 40 हो लेकिन सम जो है -13 आनी चाहिए। -13 आने के लिए इन दोनों भी फैक्टर्स को निगेटिव साइन देना पड़ेगा, तभी -5 -8 इन दोनों का सम -13 आ रहा है, और -8 × -5 + 40 हमें मिल रहा है। तो यह पेयर हम ले सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए x2, अब -13x को डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग स्प्लिट करके, -5x - 8x, -5x - 8x यह वो हमारा -13x + 40 को जैसा का वैसा ही लिखेंगे। अब दो दो के ग्रुप बनाएंगे, दो दो टर्म्स के ग्रुप। पहले ग्रुप में से यहाँ x2 है और यहाँ 5x है, तो x हम कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकालने के बाद x2 में से x कॉमन निकालेंगे तो x बचता है वहां पर, और माइनस साइन 5x में से x कॉमन निकालने के बाद 5 बच जाता है वहां पर। अब यहां पर -8 को कॉमन निकालेंगे, -8 कॉमन निकालने के बाद यहां पर x बचता है, और +40 में से अगर -8 को कॉमन निकाला जाए तो -5 बचता है। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो नंबर बच जाता है वो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो फैक्टर हम कॉमन निकालते हैं उसी से जो फैक्टर्स, जो टर्म्स रहती है उन टर्म्स को डिवाइड करना है। जैसे x स्क्वायर में से x कॉमन निकालना मतलब क्या, x स्क्वायर को x से डिवाइड करना। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, -5x को x से डिवाइड करेंगे तो -5 बचेगा। यहां पर हमने -8 कॉमन लिया है, और -8 से -8x को डिवाइड करेंगे तो x बच जाता है, और 40 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -5 बच जाता है। उसके बाद अभी यह एक टर्म है और यह दूसरी टर्म है, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? x-5 और x-5 दोनों जगह पर है, x-5 कॉमन ले लीजिए। यहां पर x-5 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? x, और यहां पर x-5 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? -8। तो यह हुआ हमारा फैक्टराइजेशन x2 - 13x + 40 का। एक एक करके आप ध्यान देते जाइए, सभी 8 जो सम्स मैंने लिए हुए हैं ये सारे टोटली अलग अलग प्रकार के सम्स हैं। इनको सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x2 + 4x - 21। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए सिर्फ लास्ट टर्म की तरफ ध्यान देंगे। लास्ट टर्म है -21। -21 के बदले में पहले, सबसे पहले 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। 21 = 1 × 21 और 3 × 7, ये दो ही पॉसिबल पेयर्स हैं हमारे। 1 × 21 हमारे कोई काम की नहीं है, सेकंड पेयर हमारे काम की दिख रही है। इसको कैसे काम में लाया जा सकता है? इनका प्रोडक्ट जो है वो लास्ट टर्म आनी चाहिए, मतलब -21 आनी चाहिए, और इनका सम जो है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 4 आनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। -21 के फैक्टर्स हमें लिखना है 3 और 7 के फॉर्म में। 3 × 7 पॉजिटिव 21 आता है, लेकिन हमें चाहिए
-21 तभी पॉसिबल है जब उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो। तो अगर हम -7 को नेगेटिव बना देते हैं और 3 को पॉजिटिव ही रहने देते हैं तो -7 × 3 का प्रोडक्ट -21 आता है और इनका सम 3 - 7 या फिर -7 + 3 - 4 आता है। तो यह कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो कॉम्बिनेशन बदल देते हैं। अब 3 को माइनस साइन लेते हैं और 7 को पॉजिटिव साइन लेते हैं। -3 × 7 - 21 प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट -21 आया। अब सम करके देखते हैं इनका, -3 + 7 दैट इज इक्वल टू +4। तो यह जो कॉम्बिनेशन है हमारा, हमने जो लिया है 21 के फैक्टर्स का, यह एकदम सही है। अब इसके हिसाब से जो यह जो मिडल टर्म है, इन साइन के हिसाब से हमें स्प्लिट करनी है। x² 4x को हम लिख सकते हैं -3x + 7x और लास्ट टर्म जैसे कि वैसी -3x + 7x, यह हुआ +4x। अब दो दो टर्म के पेयर्स बनाना है। इस पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ x है और यहाँ x है, दोनों जगह पर x है तो x कॉमन लेंगे। अब x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और -3x में से x कॉमन लेंगे तो -3 बचेंगे, प्लस 7x और 21, इन दोनों जगह में यहाँ पर भी 7 है और 21 में भी 7 है, तो हमारा 7 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर 7 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x और -21 में से 7 कॉमन निकालेंगे तो -3। अब ये जो दो टर्म्स हमें मिली है इसमें गौर से देखेंगे तो यहाँ भी x - 3 है और यहाँ पर भी x - 3 है, दोनों जगह x - 3 है इसलिए x - 3 कॉमन, और x - 3 यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या बचता है x, और x - 3 यहाँ से कॉमन लेने के बाद +7 बच जाता है। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हुआ, x² + 4x - 21 के फैक्टर्स क्या हुए, x - 3 × x + 7। अब चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x² - 5x - 24। x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है 1 के अलावा, इसलिए लास्ट टर्म की तरफ हम ध्यान देंगे। लास्ट टर्म है -24 है, तो सबसे पहले 24 के पॉसिबल फैक्टर्स लेते हैं। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, इतने पॉसिबल पेयर्स हमारे पास मिल गए हैं। अब हमारा एक्चुअल नंबर है -24, इसके ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स हमें चुनना है जिनका प्रोडक्ट -24 है लेकिन सम जो है यानी एडिशन जो है -5 आना चाहिए। यहां पर 3 और 8 ऐसी पॉसिबल पेयर है, इन्हें हम ले सकते हैं। अब इन दो का प्रोडक्ट -24 आने के लिए हमें कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव चाहिए, तो चलिए सबसे पहले 3 को नेगेटिव ले लेते हैं और 8 को पॉजिटिव रहने देते हैं। अब -3 × 8, इनका प्रोडक्ट तो -24 आ रहा है और इन्हें ऐड करके देखेंगे तो -3 + 8 + 5 आ रहा है, इसका मतलब हमें 3 को नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, 8 को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, +3 और -8
इन दोनों का प्रोडक्ट अब -24 आ रहा है और इन दोनों का सम -8 + 3 या तो फिर +3 - 8 इन दोनों का सम -5 आ रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है 24 के फैक्टर्स का। तो अब -5x को इनके अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे, x2 -5x को +3x और -8x ऐसा स्प्लिट करते हैं और -24 जैसा का वैसा लिखना है। अब दो दो के पेयर बनाने हैं हमें, ध्यान रखना x2 और 3x इसमें से क्या कॉमन निकलता है, x, दोनों जगह में x है इसलिए x कॉमन निकलेगा, x2 में से x कॉमन लेने के बाद x बचता है और 3x में से x कॉमन लेने के बाद +3x बचता है। अब यहाँ देखेंगे दोनों जगह पर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन कॉमन निकलेगी और दोनों जगह पर यहाँ पर भी 8x में 8 है और 24 में भी 8 है, 8 × 3 = 24 तो दोनों जगह से 8 भी कॉमन निकलेगा तो हमारा कुल मिला के -8 कॉमन निकल चुका है। अब -8 कॉमन निकलने के बाद यहाँ से -8x में से 8 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचता है x और -24 में से -8 कॉमन निकालने के बाद +3 बचता है। जैसा कि मैंने बताया कॉमन निकालने के बाद कैसे कोई फैक्टर बचता है उसके लिए सीधा जो कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला हुआ है उसी से उस टर्म को डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर x2 में से x कॉमन निकालना है तो x2 डिवाइडेड बाय x करना तो x बचेगा, 3x में से x कॉमन निकालना है तो क्या बचता है वो निकालने के लिए 3x को x से डिवाइड करना तो 3 बचेगा। अब यहाँ -8x है उसमें से -8 अगर कॉमन निकालेंगे मतलब 8 से डिवाइड करना है तो -8 - 8 कैंसिल हो चुका है, x बचा और -24 में से -8 अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों के ऊपर और नीचे के नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा तो 3 बचेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग किसी कॉमन फैक्टर्स को निकालने के बाद क्या बचता है वह निकालने की यह आसान विधि है। अब दोनों टर्म्स में देखेंगे तो इधर भी x+3 कॉमन है और यहाँ पर भी x+3 कॉमन है तो x+3 कॉमन लिखते हैं। यहाँ पर x+3 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है x और यहाँ प्लस यहाँ पर x+3 कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाता है -8। तो x2 - 5x - 24 के फैक्टर्स क्या हुए, x+3 × x - 8। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 8x² + 14x + 3। अब यहां थोड़ा हमें फर्क नजर आ रहा है, इसके पहले जो 4 सम्स हमने देखे थे तो x² के साथ कोएफिशिएंट 1 था और अब यहां पर x² के साथ कोएफिशिएंट 8 है, 1 के अलावा दूसरा कोएफिशिएंट है। ऐसे समय में यह फर्स्ट कोएफिशिएंट x² का और लास्ट टर्म इनका प्रोडक्ट लेना है 8 × 3। यहां पर 8 है और लास्ट टर्म क्या है 3, दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है 24। बस यह इतना फर्क है, x² का कोई कोएफिशिएंट होता है तो उसके साथ लास्ट टर्म जो है इन दो का मल्टीप्लिकेशन लेना है, प्रोडक्ट लेना है, यह आया 24। अब इस 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम 14 आएगा मिडल टर्म के। तो देखते हैं 24 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 6 × 4 × 6, यह पॉसिबल फैक्टर्स है 24 के। यह जो फैक्टर्स है 2 × 12, यह जो पेयर है यह पेयर हमें 2 × 12, ओके 2 और 12, प्रोडक्ट इन दोनों का 24 है और इनका सम 14 है तो
ये पेयर हमारे काम की है, बाकी के पेयर हमारे काम के नहीं है। अब इक्वल टू लिखेंगे 8x square पहली टर्म जैसे कि वैसे, बीच वाली टर्म को साइन के अकॉर्डिंग में स्प्लिट करेंगे, प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3, ओके 8 square प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, दो दो के ग्रुप में बनाना है इसको। अब यहाँ 8x square और यहाँ 2x, सबसे पहले तो x x कॉमन है यहाँ पर सभी जगह में, यहाँ x square है और यहाँ x है। अब यहाँ पर 8 और 2 में दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है नजर आ रहा है कि? तो हमारा टोटल जो कॉमन टर्म हमने निकाली है वो क्या है, 2x। अब 8x square में से 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, उसके लिए मैंने बताया था सिंपल फॉर्मूला कि 8x square को 2x से डिवाइड करना है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचता है, और x square को x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचता है ऊपर में, ओके यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचा हमारे पास 4x, ओके। और 2x में से 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचता, 1, 0 नहीं 1 बचेगा, ओके। प्लस 12x और 3, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 12x में भी 3 है और 3 में भी 3 है, ओके तो 3 हमारा कॉमन निकलेगा, 12x में से 3 कॉमन निकालेंगे, जैसे 12x है इसमें से 3 कॉमन निकालना है हमें, तो 3 से डिवाइड करना, 3 फॉर द 12, क्या बचता है हमारे पास 4x, और 3 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, ओके। मैं क्या कॉमन नजर आ रहा है अभी, 4x plus 1, 4x plus 1, तो इन्हें कॉमन निकालते हैं 4x plus 1। अब इसमें से 4x plus 1 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है हमारे पास, 2x, और इसमें से 4x plus 1 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, 3। तो यह हुआ हमारा 8x square plus 4x plus 3 के फैक्टर्स क्या हुए, 4x plus 1 into 2x plus 3। चलिए 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल 3x square minus 14x plus 8, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसा कि स्क्वायर टर्म के साथ कोएफिशिएंट है 3, और तब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 24। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम माइनस 14 आएगा और प्रोडक्ट 24 आएगा। तो चलिए 24 के फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8 और 4 into 6। जब भी हमारे पास किसी नंबर के फैक्टर्स के पेयर्स मिलते हैं तो कौन सी पेयर एग्जैक्टली यूज करना, यह प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जैक्टली आप समझ पाओगे कि कौन सी पेयर हमारे काम की है। 2 and 12, यह जो फैक्टर्स है 24 के, यह हमारे काम के है। कैसे देखेंगे, 24, 2 और 12, ऐसे दो फैक्टर्स हमारे पास है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 24 तो आ रहा है लेकिन इनका सम माइनस 14 नहीं आ रहा है। तो माइनस 14 इनका सम आने के लिए दोनों को भी निगेटिव साइन देना पड़ेगा, -2 और -12, कि -2 और -12 दोनों का सम माइनस 14 यानी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट प्लस 24 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव 24 आ रहा है। तो यह हमारा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसी 3x, वेयर -14x को स्प्लिट करके
इन दो नंबर्स के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, -2x -12x ये हो गए -14x। अब लास्ट टर्म जैसे के वैसे 3x² -2x इन टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता है, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, x x कॉमन निकलता है दोनों में से, और 3x² में से x कॉमन निकालने के बाद 3x बच जाता है और यहां से -2x बच जाता है। अब यहां 12 और 8 इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, लेकिन यहां पर साइन लेते समय नेगेटिव साइन लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है और यहां पर 3x माइनस 2 आया है, तो जब तक नेगेटिव साइन यहां नहीं लेंगे तो यहां पर भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में नहीं आएगा। तो -4 कॉमन लेने के बाद -12x में से -4 अगर कॉमन लेते हैं तो +3x बचता है। और कैसे बचता है यह मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है, उस रूल को फॉलो कर लिए और 8 में से -4 कॉमन निकालते हैं तो -2। इन दो टर्म्स में 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, 3x माइनस 2 कॉमन हो चुका है। अब यहां से 3x माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद x बचता है और यहां से 3x माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद -4 बचता है। 3x² माइनस 14x प्लस 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। चलिए अब 7th सम के तरफ बढ़ते हैं, 8x² प्लस 2x माइनस 15, यह दिया हुआ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। जैसा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है तो इस कोएफिशिएंट का और लास्ट टर्म का दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, क्या है 8 इंटू माइनस 15 क्या मिलता है हमें, -120। ओके, अब सबसे पहले 120 के फैक्टर्स हम निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 20, 8 इंटू 15 और 10 इंटू 12, इतने सारे फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। इसमें से वह फैक्टर हमें चुनना है जिसका प्रोडक्ट -120 आएगा और सम +2 आएगा। ओके, ऐसे कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं, यह जो लास्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स है हमें हमारा प्रोडक्ट -20 आ सकता है और सम जो है +2 आ सकता है। चलिए देखते हैं 10 और 12, तो 120 के प्रोडक्ट हम क्या लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 120 पर -120 के फैक्टर्स हमें लिखना है 10 और 12। प्रोडक्ट -120 आने के लिए हमें इसमें से कोई तो भी एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट -120 आएगा, लेकिन उसको लेने के पहले हमें यह भी ध्यान देना है कि इनका सम जो है पॉजिटिव 2 आना चाहिए। तो अगर छोटे नंबर को हम नेगेटिव साइन देते हैं तो हमारा सम पॉजिटिव, मिडल टर्म जो है हमारा पॉजिटिव 2 आ सकता है और प्रोडक्ट है -120 वो भी आ रहा है, हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब चलिए इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम जो मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं, 8x² -10x +12x -15, लास्ट टर्म जैसे के वैसे, दो दो टर्म्स में इनको ग्रुप में डिवाइड करना है,
दो दो टर्म्स के ग्रुप बनाना है। अब यह ग्रुप में 8x स्क्वायर और 10x, सबसे पहले 8 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद x स्क्वायर और x में क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है। अब 8x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकालना है, तो 8x स्क्वायर को 2x से डिवाइड कर देना है डायरेक्ट, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बचता है हमारा, तो यहां पर 4x बचता है। अब -10x में से 2x कॉमन निकालना है हमें, तो क्या 2 से 10 को डिवाइड होता है 5, और x को x कट हो जाता है, ऊपर क्या बचता है हमारा -5। अब यहां पर 12x और -15 में से हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, 12 में से 12 और 15 दोनों में 3 है, 3 × 12 और 3 × 5, 3 कॉमन निकालते हैं, ठीक है, 12x में से 3 कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 3 × 4 = 12, मतलब 4x बचते हैं, और -15 में से 3 को कॉमन निकालते हैं तो -5 बचते हैं, यहां -5 लिखेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं और क्या कॉमन निकालने के बाद बचता है, वह मैं बार-बार बता चुका हूं कि डिवीजन करके ही उसे कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाता है उसे हम अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। अब इन दो टर्म्स में से 4x minus 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 4x minus 5 कॉमन ले लीजिए, और यहां से 4x minus 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2x, और यहां से 4x minus 5 कॉमन निकालने के बाद 3 बच जाता है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ चुके हैं, 4x minus 5 into 2x plus 3। चलिए अब लास्ट सम के तरफ बढ़ते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, इसके फैक्टर्स हमें निकालना है, जैसा कि पहले बता चुका हूं x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 2, इसलिए 2 का और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेना है, 2 × -12, ओके, 2 × -12 कितना आता है -24, तो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 4 × 6। यहां से यह जो पेयर दिख रही है 3 × 8 यह हमारे काम की दिख रही है, कैसे देखते हैं, -24 कि हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं 3 × 8, इनको ऐसे फॉर्म में लिखना है जिनका प्रोडक्ट -24 आएगा और सम मिडल टर्म मैंने -5 मिलेगा, ओके, तो प्रोडक्ट दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव में आने के लिए कोई भी एक नंबर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, साथ साथ में हमें यह भी ध्यान देना है कि उन दोनों का सम -5 आना चाहिए, तो यह तभी पॉसिबल है जब हम बड़े नंबर को नेगेटिव बनाते हैं और छोटे नंबर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो यहां देखेंगे -8 × 3 -24 आ चुका है और +3 -8 हमें -5 मिल रहा है, तो दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका यूज करके हम लोग सबसे पहले मिडल टर्म जो है इसे स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसी 2x स्क्वायर, ओके, -5x को हम लिखेंगे +3x -8x और लास्ट टर्म जैसे कि वैसी लिखना है। अगर 3x और 8x को हम एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा सम कुछ आसान हो जाता है, कैसे देखते हैं, 2x स्क्वायर -8x +3x -12, अब हमें कॉमन लेते समय आसानी हो रही है, 2 के ग्रुप में इसे डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर -8x, इसमें से 2 और 8 में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन मिल रहा है, x, अब 2x स्क्वायर से x कॉमन निकालेंगे तो यहां हमारे पास बच जाता है x,
और माइनस एट एक्स में से टू एक्स कॉमन निकालेंगे, यहां बचता है माइनस फोर प्लस थ्री एक्स और ट्वेल्व में क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहां भी थ्री है और ट्वेल्व में भी थ्री है, तो थ्री कॉमन निकालेंगे। थ्री कॉमन निकालने के बाद यहाँ एक्स बचता है और माइनस ट्वेल्व में से थ्री कॉमन निकालने के बाद माइनस फोर बच जाता है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, तो एक्स माइनस फोर को कॉमन लेते हैं और उसके बाद इसमें से एक्स माइनस फोर कॉमन लेने के बाद टू एक्स बचता है हमारे पास, और यहाँ पर से एक्स माइनस फोर कॉमन लेने के बाद प्लस थ्री कॉमन बचता है, प्लस थ्री बच जाता है। तो फैक्टराइजेशन हमारा क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 का x माइनस 4 2x प्लस 3। मैंने सारे 8 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के फैक्टराइजेशन बताए हैं। इन सभी 8 टाइप्स के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के फैक्टराइजेशन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान लगेगा।